हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। भले ही उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन आज भी एसआरके का फिल्म इंडस्ट्री में काफी डिमांड है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके बाद एसआरके का राकेश शर्मा की बायोपिक डॉन 3 जैसी फिल्मों के साथ नाम जुड़ चुका है। वहीं अब लीजिए एसआरके के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो एसआरके ने फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बनाया है। दरअसल जीरो के फ्लॉप होने के बाद से एसआरके काफी निराश थे, जिसकी वजह से वो कोई फिल्म साइन नहीं कर रहे थे। वहीं अब लीजिए फाइनली एसआरके ने इसकी असली वजह बताई है और एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, मैं इस वक्त किसी फिल्म में काम नहीं कर रहा हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब मेरी एक फिल्म खत्म होती है तब दूसरी फिल्म में काम शुरू कर देता हूँ। इस तरह मैं 3-4 महीनों के लिए व्यस्त हो जाता हूँ, लेकिन जीरो में काम करने के बाद मेरा दिल नहीं कह रहा है कि मैं अभी फिल्म करूँ। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए, फिल्में देखनी चाहिए, कहानी सुननी चाहिए और अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। मेरी बेटी कॉलेज जा रही है और बेटे की पढ़ाई खत्म होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊँ। बता दें कि हाल ही में फादर्स डे के मौके पर शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन खान के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उनकी टी शर्ट पर लिखा था मुफासा और बेटे की टी शर्ट पर लिखा था सिम्बा, जो कि उनकी आने वाली हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग के किरदार हैं, जिसके लिए दोनों डबिंग का काम करेंगे। वैसे बॉलीवुड फिल्मों से ब्रेक लेने वाली बात सुनकर फैंस को काफी बड़ा झटका लग सकता है। वेल, इस बारे में आपका क्या कहना है? एसआरके ने अपने करियर से जुड़े जो फैसले लिए हैं वो ठीक है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।